हाय फ्रेंड्स, ट्रैंक्विल दिल्ली सीरीज़ के इस एपिसोड में हम चलेंगे सुंदर नर्सरी, जिसको दिल्ली का हेरिटेज पार्क या सेंट्रल पार्क भी बोला जाता है। लगभग 10 साल की मेहनत, कंजर्वेशन, रीडेवलपमेंट के बाद ये जगह अभी हाल ही में एक दो साल पहले पब्लिक के लिए ओपन की गई है, और आज की डेट में ये मेरी फेवरेट जगहों में से आता है दिल्ली में। काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का यहाँ पर क्वालिटी का यहाँ काम हुआ है, और इसको एक आदर्श, एक मॉडल प्रोजेक्ट के तौर पे भी लिया जाता है कि कंजर्वेशन आइडियली किस तरह किया जाना चाहिए। आज हम बात करेंगे यहाँ के आर्किटेक्चर, एस्थेटिक्स, यहाँ की हिस्ट्री, और जो रीसेंट रीडेवलपमेंट यहाँ पे किया गया है उसके बारे में। ये वीडियो छोटा सा है, जबकि ये एस्पेक्ट काफ़ी वास्ट हैं ये सारे टॉपिक्स, पर इस वीडियो के ज़रिए मेरा एम ये रहेगा कि आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी जगाना, ताकि आप भी इस जगह पर जाएं, कई बार जाएं और इसके अलग अलग पहलुओं को महसूस करें और अनुभव करके आएं। तो स्टार्टिंग विद द हिस्ट्री, यहाँ का जो इतिहास है वो मुझे ये कहना अच्छा लगता है कि अभी ये जिस शेप में डेवलप किया गया है, ये इस तरह से है जैसे कि इस जगह की सारी कहानियों और सारे आर्किटेक्चर, बहुत सारे पहलुओं को जोड़ करके एक बायोपिक, 3D बायोपिक जैसे बनाई गई हो। तो बायोपिक या मूवी में क्या होता है कि असली फैक्ट्स लिए जाते हैं और उनको एक कंसाइस, एक दो या ढाई घंटे की कहानी में सजा के और उनको अच्छे से इलस्ट्रेट करके पेश किया जाता है। ज़रूरी नहीं कि वो वाकई हूबहू या वैसे के वैसे ही हुए हों, पर आपको, देखने वाले को एक आइडिया लगता है कि ये और एक छाप छोड़ जाता है वो आपके मन पे, वो मूवी। तो उसी तरह से यहाँ पर भी रीडेवलपमेंट किया गया है, यहाँ के जो बहुत सारे यूनिक पहलू हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया है पहले साइंटिफिक रिसर्च के मेथड से, और उनको रिक्रिएट करने की कोशिश की गई है, और एक मॉडल एरिया कह सकते हैं या हेरिटेज पार्क के तौर पे इसको आज डेवलप किया गया है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो इमारतें कंजर्वेशन के पास जैसी दिख रही हैं ऐसी की ऐसी रही हों पहले भी, पर उस दौर के और उन लोगों से जुड़े, उन बिलीफ सिस्टम्स और उन कल्चर्स से जुड़ी हुई जो चीज़ें रिसर्च के दौरान निकल के आईं, उनको और डेवलप करके और उनको आधुनिक करके, उनको कंटेम्प्रेरी एक फॉर्म में एक पेश किया गया है। और इस जगह पर ध्यान रखा गया है कि हेरिटेज कल्चरल कंजर्वेशन तो हो ही, साथ में ये जगह सेल्फ सस्टेनेबल हो और इसके आसपास जो सोसाइटीज़ हैं उनको भी ये नरिश करे, इस तरह का ये प्रोजेक्ट बनाया गया है, जो कि आगा खान ट्रस्ट के, मैंने और भी प्रोजेक्ट्स के बारे में पढ़ा तो उनकी उनका जो सोच है वो विज़न इस तरह ही रहता है कि खाली आर्किटेक्चर और खाली बिल्ट अप स्ट्रक्चर्स ही नहीं, वहाँ के एस्थेटिक्स और वहाँ के लोगों को ये जगह खुद सेल्फ सस्टेनेबल हो, इसकी यूटिलिटी रहे। ऐसा नहीं कि खाली बड़ी सी स्पेस डेवलप हो गई है और आप उसका और कुछ इस्तेमाल नहीं कर सकते, आसपास जनसंख्या इतनी ज़्यादा है और ऐसे में आप इतनी खुली जगह सिर्फ इसी तौर पे, और काफ़ी सारे मॉन्यूमेंट्स हैं जिसमें जस्ट खुली जगह है, पर यहाँ पे आई रियली अप्रिशिएट कि इस तरह से सोच रखी गई है कि ये जगह के, इस जगह के ज़रिए कई लोगों को आसपास रोज़गार मिल रहा है और उनकी लोग आसपास लोगों को इस जगह से भी फ़ायदा हो रहा है, इस जगह को लोगों से फ़ायदा हो रहा है। तो एक म्यूचुअल गिव एंड टेक यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया है, जिससे कि लोग भी, आसपास की सोसाइटीज़ भी इस जगह का अब ध्यान रखती हैं और ये जगह उनका ध्यान रखती है, रोज़गार के ज़रिए और फिनेंशियल हेल्प जो मिलती है लोगों को, इस वजह से यहाँ पे टूरिस्ट का आना जाना बढ़ा है, यहाँ के लोगों का अपलिफ्टमेंट, जो उनके वेलबींग है और उनका जो स्टेटस ऑफ लिविंग है, स्टेटस ऑफ थिंकिंग जो है, एजुकेशन, हेल्थ, इन सब चीज़ों पे काफ़ी यहाँ पे फ़ायदा हुआ है इस प्रोजेक्ट के आने के बाद। तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा हिस्ट्री में, और उसके बाद मैं दोबारा रीसेंट कंजर्वेशन के बारे में फिर से बात करूँगा। इस जगह पे प्रमुख तौर पे जो एंशियंट
पुराने से पुराना जो मेंशन मिलता है वो है उत्तर पथ नाम से एक रास्ता जो कि बंगाल से अफगानिस्तान के बीच में जो ट्रेड हो रहा है ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में उसको फैसिलिटेट करने के लिए ये माना जाता है कि उत्तर पथ नाम से एक रास्ता हुआ करता था अराउंड लाइक 500 BC 300 BC उस दौर में जो कि मौर्यन एम्पायर चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक और इस मौर्यन एम्पायर के दौरान उसको काफ़ी डेवलप किया गया ताकि ट्रेड हो सके वेस्ट और ईस्ट के बीच में और उसी यही वो पथ है जो आगे जाके जिसको खलजी के दौर में और तुगलक्स के दौर में शेरशाह सूरी ने इसको डेवलप कराया और बाद में जाके ब्रिटिशर्स ने भी इसको फर्दर डेवलप किया और आज ब्रिटिश काल के बाद इसका नाम आज हम जानते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड। तो एक मेंशन तो ये है कि एज अ ट्रेड रूट ग्रैंड ट्रंक रोड और जो पास ही में यमुना नदी बहा करती थी अब अभी भी इसी इलाके में है पर लगभग 1.5 किलोमीटर रिसीड कर गई, थोड़ा पीछे हो गई उसका बहाव अब पिछले कुछ सेंचुरीज में। तो एक तरह से ये जो पर्टिकुलर इलाका है निज़ामुद्दीन बस्ती वाला जिसको आज हम जानते हैं निज़ामुद्दीन या यमुना का की जो किनारा है हुमायूं टोम के पास का जो एरिया है एक तरह से इंटरसेक्शन था उन दोनों की टक्कर पे ग्रैंड ट्रंक रोड उत्तर पथ और यमुना के इंटरसेक्शन पे ये एक तरह से पूरा इलाका आता है। तो ट्रेड के तौर पे इम्पोर्टेंट रहा होगा ऐसा मेरा गेस है। उसके बाद स्लेव डायनेस्टी के एंड में कुतुब मीनार बनने के लगभग 100 साल बाद एक यहाँ पे कैपिटल नया एस्टैब्लिश किया कि फोर्ट्रेस एस्टैब्लिश की गई थी इसके पास जिसको हम किलोकरी गांव के तौर पे आज जानते हैं। आई थिंक इतिहास में ग्रैंड ट्रंक रोड के अलावा सबसे पहला जो इस इलाके में इम्पोर्टेंस या एम्फेसिस जो आया वो उस दौर में शायद आया होगा। आई थिंक मोइजुद्दीन कैकाबाद जो लगभग लास्ट के रूलर थे स्लेव डायनेस्टी में दिल्ली सल्तनत के दौरान 14th century के आसपास वहाँ पर गढ़ी गांव और किलोकरी ये सब सेटलमेंट्स उस दौर में मेरे ख्याल से हुए। उसके बाद अलाउद्दीन खलजी खलजी के दौर में यहाँ पर खलजी एंड देन सब्सिक्वेंटली जो उसके बाद जो रूलर्स आए उस दौर में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का यहाँ पे काफ़ी उनका खानकाह यहाँ पास में है जहाँ वो रहते थे और जहाँ उनका हॉस्पाइस था जहाँ आश्रम कह सकते हैं और पास ही में उनके लिए बावली और मस्जिद निज़ामुद्दीन औलिया की बावली और मस्जिद भी पास में बने उस दौर में और उनकी फाइनली यहाँ दरगाह भी पास ही में है जिसके बाद जिस दौर में खानकाह उनके रहते हुए काफ़ी यहाँ पर लोग ज़रूर आए होंगे उनकी ब्लेसिंग्स के लिए या उनसे काउंसलिंग या ट्रीटमेंट। खानकाह और आश्रम एक तरह से हॉस्पाइस होते हैं जहाँ पर लोग स्पिरिचुअल रिट्रीट के तौर पे आते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि उनके रहते हुए जीते जी भी काफ़ी यहाँ पर दूर दूर से लोग दूसरे देशों से भी लोग आए होंगे एज अ पिलग्रमेज और एज अ स्पिरिचुअल रिट्रीट और उनकी दरगाह उनके आफ्टर ही रेस्टेड इन पीस आफ्टर हिज डेथ दरगाह के पास भी काफ़ी ज़्यादा आपने देखा होगा कि यूजुअली सूफ़ी श्राइन्स या सूफ़ी दरगाह के आसपास रॉयल टूम्स ग्रेव्स जो इम्पोर्टेंट नोबल मैन होते हैं उनके ग्रेव्स आसपास रहती हैं। तो ये माना जाता है कि उस दौरान यहाँ पर काफ़ी टूम्स भी बने इस इलाके के आसपास जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल तो हुमायूं टूम्ब है हुमायूं टूम्ब और ईसा खान का टूम्ब है और काफ़ी सारे यहाँ पे हज़ारों छोटी छोटी ग्रेव्स एंड टूम्ब्स अवेलेबल हैं। सुंदर नर्सरी एरिया के अंदर भी कुछ टूम्ब कॉम्प्लेक्सेस आते हैं टूम्ब और उनके गार्डन कॉम्प्लेक्सेस जिसको रिसेंट कंजर्वेशन में कंजर्व किया गया है हुमायूं टूम्ब के ही विजन पे उसी पैटर्न पे। और यही वो दौर था जब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग आए होंगे और उस समय ही यहाँ की जो काफ़ी सराएँ हैं एक तो ट्रेड रूट होने की वजह से सराय मतलब इन
छोटे होटल्स जहाँ पे ट्रेडर्स रह सकते हैं और अपना सामान रख सकते हैं कुछ समय के लिए, उनके जानवरों को टेदर करने के लिए या उनके घोड़े बांधने के लिए, उनके जो भी कैरावैंस हैं उनको भी सपोर्ट करने की स्पेसेस यहाँ होती हैं। तो उस एरिया को एक सराय बोला जाता है। ऐसी काफ़ी सारी सराय भी इस आसपास डेवलप हुई उसी दौर में, ड्यू टू ट्रेड एंड ड्यू टू द स्पिरिचुअल रिट्रीट एंड दीज रॉयल टूम्स एंड रॉयल द ग्रेव्स ऑफ इम्पॉर्टेंट पीपल। इसका एक पहलू और मैंने सुना है, मैंने खुद तो उस पर रिसर्च नहीं की है, लेकिन जिनसे मैंने सुना है वो काफ़ी दो तीन मित्रों से सुना है जो कि इस टॉपिक पे रिसर्च करते रहते हैं। जो मुगल काल था, मध्य मुगल काल, मिड पीरियड, जब अकबर का रूल था, उस समय कुछ पॉलिसी चेंजेस ऐसे किए गए कि जो लोग ज़मीनें हड़पते थे, उन पे कब्ज़ा करके रहते थे, उनको सुधारने के लिए कुछ पॉलिसीज बदली गई थी जिसके तहत आप ज़मीन पे कब्ज़ा नहीं कर सकते। और पर उसमें ऐसा माना जाता है कि शायद एक पॉलिसी ये अलाउ करती थी कि अगर वो कोई लैंड स्पेस आपका टूम्ब है या वो आपका ग्रेव कॉम्प्लेक्स है तो देन यू एंड योर फैमिली कैन ओन दैट स्पेस। तो कुछ लोग ये भी मानते हैं कि उस दौरान इस तरह से पॉलिसी में लूप होल निकाल के ज़मीन पे कब्ज़ा करने के लिए भी काफ़ी लोगों ने अपने बड़े बड़े टूम्ब कॉम्प्लेक्स और ग्रेव्स और मकबरे बनवाए जिसके अंदर लिविंग स्पेसेस और लिविंग रूम्स भी हैं और ग्रेव भी है और काफ़ी बड़ा सा महल नुमा वो टूम्ब होता है। ये भी एक पहलू है जो मुझे सुनने में मिला रिसर्च करते समय। तो ये तो बात हुई कि क्यों इतने सारे टूम्ब उस समय बने, इसका एक पहलू ये है। और एक आपने भी सुना होगा कि लोग रॉयल या जो भी अफोर्ड कर सकता है लोग कोशिश करते हैं कि किसी सेंटर ऑफ नॉलेज या एक सूफी श्राइन के आसपास वो भी दफन हो या उनके लास्ट राइट्स भी ऐसी किसी पवित्र जगह पे हो जिससे माना जाता है कि उनके जो सिंस हैं वो कम हो जाते हैं, कट जाते हैं, एंड जो पोस्ट डेथ जो भी उनके बिलीव्स हैं उसमें उनको कुछ क्रेडिट्स या कुछ पॉजिटिव होता है उनके साथ। तो इस वजह से निज़ामुद्दीन औलिया के खानकाह और दरगाह के आसपास टूम्ब कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है। यही ट्रेंड हम दूसरी जगहों पर भी देखते हैं कि कई सारी दरगाहों के आसपास, जैसे कुतुब साहिब की दरगाह के आसपास या जमाली कमाली की जो दरगाह है उसके आसपास काफ़ी सारे रॉयल ग्रेव्स देखने को मिलती हैं। इस दौर के बाद काफ़ी टाइम तक जब आसपास जो है पुराना किला बना, जिसको आज हम पुराने किले के तौर पर जानते हैं, ओल्ड फोर्ट, और नए नए दिल्ली के कैपिटल्स बनते गए, काफ़ी यहाँ पर भी सराएं डेवलप हुई। कुछ एरिया जो है वो एग्रीकल्चर के तौर पे भी यूज़ हुआ। और जो एक मेजर सराय जिसका नाम अभी भी रिकॉर्ड्स में मिलता है और अभी भी रिटेन किया गया है, नाम अजीम गंज सराय, जो सुंदर नर्सरी के एक एंड पे उसका जो फोर्टिफिकेशन वॉल है और गेट है वो देखने मिलता है, अजीम गंज सराय। और उसके आसपास जो बाग थे उनका नाम था अजीम बाग। तो ये नाम अभी भी रिटेन किए गए हैं। आपको आसपास जो नोटिस बोर्ड्स हैं, जो इन्फॉर्मेशन लगाई गई हैं इस जगह के बारे में, उसमें आप और पढ़ सकते हैं इसके बारे में। तो एक तरह से ये सुंदर नर्सरी या हुमायूं टोम्ब और जो दिल्ली जू है उनके बीच में जो एरिया था वो अजीम गंज सराय और अजीम बाग के तौर पे था पहले। काफ़ी एरिया एग्रीकल्चर के लिए यूज़ हुआ। और ब्रिटिश टाइम्स में जब ब्रिटिश रूल आया और जब रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद उन्होंने ब्रिटिश क्राउन का यहाँ रूल हुआ और न्यू दिल्ली को डेवलप करना शुरू किया, उस दौर में इस जगह को एक नर्सरी के तौर पे यूज़ किया। यहाँ पर काफ़ी सारे हॉर्टिकल्चर और फ्लोरिकल्चर से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स किए गए और पौधे भी लगाए गए जिनको बाद में ट्रांसप्लांट करके सिटी, इस शहर के ब्यूटिफिकेशन के लिए यूज़ किया। जो जैसे कि पार्लियामेंट हाउस के आसपास का एरिया, लुटियंस दिल्ली जो है, जितने ब्रिटिश डेवलप्ड एरियाज थे
आई थिंक जो पास में लेडी विलिंगडन गार्डन था, जो अब लोधी गार्डन के नाम पे जाना जाता है, प्रॉबेबली वहाँ पे भी जो पौधे लगे हैं ब्रिटिश टाइम से, वो उसमें से कुछ ज़रूर इस इलाके में पनपे होंगे, इस इलाके में उनको लगाया गया होगा, फिर ट्रांसप्लांट करके दूसरी जगह। इसी तरह से इस नर्सरी को इस इस्तेमाल में भी लाया गया कि यहाँ पे पौधे और फूल लगा करके फिर ट्रांसप्लांट किया गया, शहर में जगह जगह उनको लगाया गया सजावट के तौर पे। पोस्ट इंडिपेंडेंस यहाँ पर ज़्यादा शुरुआती दौर में ज़्यादा मेरे ख्याल से अटेंशन नहीं रहा होगा गवर्नमेंट का, बिकॉज़ वो शहर बसाने में बिज़ी रहे होंगे, हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही थी उस समय, और बाकी भी हम ऐसा देखते हैं कि अराउंड 1995 या उस दौर के बाद ही हेरिटेज कंजर्वेशन पे ज़्यादा एम्फेसिस लौटता है हमारा। हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो उसके पहले उतने डेवलपमेंट्स नहीं हैं कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स के, या मिनिमल रिपेयर वर्क्स जाने जाते हैं, जिसको कि जिस समय हमारी टेक्नोलॉजी भी कम थी और नॉलेज भी कम थी कि किस तरह का मटेरियल यूज़ करना चाहिए, तो क्विक रिपेयर वर्क्स शायद थोड़े बहुत हुए हों मॉन्यूमेंट्स पे, पर इस तरह का डेवलपमेंट नहीं था। और अभी जब ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया तो काफ़ी सारा हज़ारों टन मलबा यहाँ पे मिला इस जगह पे, जिसको कि पहले साफ किया गया कंजर्वेशन के दौरान और फिर असली एक्चुअल कंजर्वेशन काम शुरू किया गया। अब हम हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स पे थोड़ा सा ब्रेक लगाते हैं और नेक्स्ट सेक्शन में हम बात करेंगे यहाँ के रिसेंट कंजर्वेशन के बारे में। पर उसके पहले एक और पहलू मैं शेयर करना चाहता हूँ, जो कि है एस्थेटिक्स और आर्ट्स का डेवलपमेंट ह्यूमन सोसाइटी में जो हुआ है, क्योंकि इस जगह पर उसका भी काफ़ी महत्व है। जो हमारा सबसे पुराना आर्ट फॉर्म टिपिकली हम देखते हैं विजुअल आर्ट्स के तौर पे, वैसे तो सिंगिंग डांसिंग काफ़ी पुराना फॉर्म माना जाता है, पर विजुअल आर्ट्स के तौर पे जो हम सबसे पुराने एग्जांपल्स में से आती हैं केव पेंटिंग्स, जिसमें आप देखेंगे कि नेचुरल सीन्स या और ह्यूमन फिगर्स, एनिमल्स और हंटिंग के सीन्स, इस तरह के सीन देखने मिलते हैं। तो ये माना जाता है कि जो सबसे प्रिमिटिव फॉर्म विजुअल आर्ट्स का जब शुरू हुआ था, तब इंसान की कोशिश रहती थी कि जो प्रकृति में आसपास नेचर में हमें दिखता है, हमें लाइफ में दिखता है, उसको मिमिक करने की एक तरह से कोशिश थी कि वो दिखाएं, हम आसपास के सीन ड्रॉ करते थे लोग। ये डेवलपमेंट चलता रहा, एग्रीकल्चर, सेटलमेंट, सिविलाइजेशन, इस तरह की चीज़ें हज़ारों हज़ारों सालों में चलती रहीं, और टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, टूल्स डेवलप हुए, जिसके साथ साथ पैरेलली ऑर्गेनिकली जो है आर्ट फॉर्म्स भी डेवलप हुए और ज़्यादा बारीक काम होना शुरू हुआ। जो नेचर फिगर्स भी जो हम जो लोग ड्रॉ करते थे, शार्पर पेंस अवेलेबल हो गए, मटेरियल पेपर डेवलप हुआ, फैब्रिक पे लोगों ने प्रिंटिंग और ड्रॉ करना शुरू किया, और काफ़ी जो ये लगभग प्री मिडिविल या अर्ली मिडिविल टाइम्स में इस तरह की जो आपको पेंटिंग्स देखने मिलेंगी कि नेचुरल डिज़ाइंस, ज्योमेट्रिक पैटर्न्स काफ़ी डेवलप हुए उस दौरान। चाइना में फॉर एग्जांपल पेपर आर्ट काफ़ी पॉपुलर हुआ, और जो मिडल ईस्ट जिसको बोला जाता है उस एरिया में, एशिया एरिया में, लाइक फैब्रिक पे डिज़ाइंस बनना, कारपेट्स बनाना काफ़ी प्रचलित था उस समय। इसके बाद जो एक तरह से समाज में रेनेसांस आया, लोगों की सोच बदली, फर्दर डेवलपमेंट्स हुई, ग्राउंड वर्क हो चुका था नेचुरल फिगर्स की आर्ट्स, और सब्सटेंस मटेरियल जिससे हम वो ड्रॉ कर रहे हैं वो सब डेवलप हो गया, टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी थी। तो इसके बाद जो एक माइंड सेट में चेंज आता है वो ये था कि अब लोगों ने, जो आर्टिस्ट जो थे, उन्होंने आर्ट के थ्रू ये एक्सप्रेस करना शुरू किया कि रादर देन जस्ट मिमिकिंग व्हाट इज़ देयर, उन्होंने ये एक्सप्रेस करना शुरू किया कि किस तरह से लाइफ होनी चाहिए, एक यूटोपिया या फिर एक जो आइडियल वर्ल्ड है, जहाँ पे हर जगह सौंदर्य होगा, सब कुछ सुंदर, शांति,
सब फ्लरिश कर रहा है, इस तरह की जो सिंबॉलिक चीज़ें हैं अलग अलग आर्ट फॉर्म्स में ये आने शुरू हुई कि हाउ लाइफ शुड बी, किस तरह का से किस तरह की लाइफ होनी चाहिए, उसमें बड़े बड़े पेड़ दिखेंगे जिस पर बहुत सारे फल लगे हैं, इस तरह की अलग अलग आर्ट फॉर्म में, कोई स्कल्पचर के ज़रिए, कोई ड्राइंग आर्ट के ज़रिए, ये आर्ट का फाइनल एवोल्यूशन लाइक राइट फ्रॉम मिमिकिंग दी नेचर टू एज इफ सजेस्टिंग और विशिंग फॉर हाउ नेचर शुड बी, हाउ लाइफ शुड बी, इस तरह के एक एवोल्यूशन देखने मिलता है। जो लोग आर्ट हिस्ट्री स्टडी करते हैं वो ऐसा मैंने पढ़ा है कि इस तरह के ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करते हैं कि इस तरह से एक एस्थेटिक सोच जो है इवॉल्व हुई है। और इसी दौरान जो है जिस तरह से पहले हम फैब्रिक पे नेचर बना रहे हैं और ज्योमेट्रिक डिज़ाइंस बना रहे हैं, इसी का फर्दर इवोल्यूशन ये भी माना जाता है कि इसके बाद जो एक आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन ऐसा भी शुरू हुआ कि नेचर को यूज़ करके, फॉर एग्जांपल लॉन्स या गार्डन्स, पेड़ पौधों को यूज़ करके आप उसमें ज्योमेट्रिक पैटर्न्स या जो कारपेट पे आपने पैटर्न्स डेवलप किए थे वो आपका कैनवस जो है वो एक बाग है, एक जंगल है, उसको आप इस तरह से सजा रहे हैं कि लगे कि जैसे कि कारपेट का डिज़ाइन है, ज्योमेट्रिक पैटर्न्स या फ्लोरल पैटर्न्स उसमें दिखें, अलग अलग रंग दिखें, अलग अलग उसमें ऊंचाई, गहराई, इन सब चीज़ों को यूज़ करके एक विजुअल एक अपील, विजुअली अपीलिंग एक प्रेजेंटेशन बनाई जाती है कि ज्योमेट्रिक डिज़ाइंस या कारपेट डिज़ाइंस ऑन एक्चुअल plants and grass and actual land using fountains and water you try to develop this. इस सोच को और एक सपोर्ट मिलता है फेथ के ज़रिए। काफ़ी सारे बिलीफ सिस्टम्स में, जैसे इस्लाम में एक बिलीफ है कि जो स्वर्ग है उसका जो डिज़ाइन है वो एक तरह से माना जाता है जैसे 9 स्क्वायर्स हों, सेंटर में एक स्क्वायर है आपका और उसके आसपास 8 स्क्वायर्स और हैं या 8 स्पेसेस और हैं। जो सेंटर है वो सेंटर ऑफ सेल्वेशन है आपका, पैराडाइज है, हेवन है, स्वर्ग कह सकते हैं उसको, और आसपास जो है इस तरह की जो चीज़ें हैं जो कि लाइफ नरिशिंग चीज़ें या जो भी इंसान मटेरियल तौर पे या स्पिरिचुअल तौर पे, इमोशनल तौर पे चाहेगा वो सब फुलफ़िल करने के लिए आसपास, ये कई सारे बिलीफ्स में हमें ये देखने मिलता है। इस डिज़ाइन को एक पुराना फारसी लफ्ज है हश्त बहिश्त के तौर पे इसको बोला जाता है या 8 हेवंस। यही अगर आप इंडियन मंडला आर्ट देखें या बुद्धिस्ट कुछ स्पिरिचुअल डिज़ाइन पैटर्न्स देखें तो उसमें भी ये 9 का फिगर काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। इवन मैजिक स्क्वायर्स ऑफ इन द चाइनीज फेथ्स बिलीव्स, अगेन दिस इज़ समथिंग वेरी लाइक जिस पे काफ़ी एम्फेसिस रहता है, जो 9 स्क्वायर्स का फिगर है या फिर सेंटर में एक डेटी या सेंटर ऑफ पावर, सेंटर ऑफ एनर्जी, और उसके आसपास 8 पायस स्पेसेस। जो ब्यूटिफाइड गार्डन्स का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया उसको इस तौर पे भी बनाया गया कि अगर किसी का टोम्ब है, सेंटर में टोम्ब है या कोई आपका प्लेस ऑफ वर्शिप है या एनी थिंग दैट सिंबलाइजेस सेल्वेशन, और उसके आसपास 8 गार्डन्स हैं या 8 स्पेसेस हैं। इवन आर्किटेक्चर में अगर आप ताजमहल और हुमायूं टोम्ब का बिल्टअप आर्किटेक्चर अंदर से देखें तो सेंटर में एक कोर है, उसके आसपास 8 स्पेसेस बनाई गई हैं। अगर आपको टॉप व्यू डिज़ाइन देखने मिलता है ताजमहल का या हुमायूं टोम्ब का, जो कि काफ़ी बड़े बड़े बोर्ड्स में आसपास लगाया गया है, तो यू विल नोटिस दिस डिज़ाइन पैटर्न। तो हश्त बहिश्त एक तरह से ऐसा है कि पैराडाइज गार्डन, पैराडाइज जो शब्द है वो खुद भी फारसी के पुराने शब्द से आता है, पायरी डाइजा, जिसका मतलब है कि एक पनाह, सुंदर और नेचुरल एक स्पेस जिसके आसपास प्रोटेक्टिव वॉल है और अंदर तरह तरह के बाग हैं, झरने हैं, तो उसको पायरी डाइज या पैराडाइज बोला जाता है। हमने बात करी हिस्ट्री की और हमने बात करी एस्थेटिक्स की।
अब इन दोनों चीज़ों को जोड़ के जो रीसेंट कंजर्वेशन वर्क किया गया है उसके बारे में बात करते हैं। 1997 में जब भारत ने अपना इंडिपेंडेंस के 50 साल पूरे किए, उस समय आगा खान ट्रस्ट ने एक तोहफे के तौर पे जो इंडियन गवर्नमेंट को एक तरह से या इंडियन पीपल भारत के लोगों को ये तोहफा दिया कि जो हुमायूं टोम का जो लॉन्स है आसपास, अगेन जो आर्ट स्पेसेस जैसा कि मैंने बताया टोम सेंटर में है, उसके आसपास आर्ट स्पेसेस में लॉन्स हैं, बाग हैं, मुगल काल के उसमें पेड़ लगे हैं, फलदायी वृक्ष लगे हैं, तो उन लॉन्स को आगा खान ट्रस्ट ने उसको कंजर्व किया और रीडेवलप किया और काफ़ी सुंदर तरीके से उनको दोबारा डेवलप किया, जिसकी वजह से करीब 1000 गुना ज़्यादा लोग वहाँ पे विज़िट करने लगे और एक काफ़ी पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हुआ आसपास। इस अच्छे से डेवलपमेंट के बाद से उस समय की गवर्नमेंट ने आगा खान ट्रस्ट को फिर से इनवाइट किया कि जो हुमायूं टूम स्ट्रक्चर है उसके कंजर्वेशन के लिए और उसके आसपास जो अब ये सुंदर नर्सरी के नाम से जो एरिया जाना जाता है, अजीम गंज सराय, अजीम बाग और बहुत सारे छोटे छोटे टोम कॉम्प्लेक्सेस जो और थे आसपास, उनको दोबारा डेवलप करने के लिए दुराबजी टाटा ट्रस्ट, आगा खान ट्रस्ट, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और काफ़ी सारे और इंडियन एजेंसीज ने मिल के इस पे काम शुरू किया। बहुत सारे पहलू हैं निज़ामुद्दीन रीडेवलपमेंट के नाम से, आई थिंक इसी तरह से कुछ नाम से निज़ामुद्दीन अर्बन रीडेवलपमेंट शायद के नाम से एक यूट्यूब चैनल भी है, जिस पे उन्होंने काफ़ी सारे छोटे डॉक्यूमेंट्री और इंटरव्यूज़ के फॉर्म में बताया है कि ये प्रोजेक्ट किस तरह से किया गया। एक किताब भी उपलब्ध है मार्केट में इस प्रोजेक्ट के बारे में। तो बहुत सारे बहुत 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 सारे पहलू हैं इसको डेवलप करने के लिए, तो लेकिन मेरी पसंद के जो प्रमुख नोटिसेबल चीज़ें जो मुझे लगता है कि यूनिक थी काफ़ी, वो मैं इस वीडियो में शेयर करता हूँ। उसके बाद आप ज़रूर उनके चैनल पर जा कर के वो वीडियोज़ भी देखिएगा। एक तो प्रॉपर साइंटिफिक रिसर्च की गई, काफ़ी सारे जो नॉलेजेबल और शार्प माइंड्स को इकट्ठा किया गया, उन्होंने हिस्टोरियंस, आर्कियोलॉजिस्ट, आर्टिस्ट्स, स्ट्रेटजिस्ट और इस तरह के काफ़ी सारे लोगों ने मिलकर इस पर रिसर्च किया और हिस्टोरिकल फैक्ट्स को जोड़ा, जो स्ट्रक्चर्स के रूइंस अभी बचे हुए थे उनको स्टडी किया। तो एक तो काफ़ी रिसर्च वर्क इसमें गया है। जो सबसे यूनिक चीज़ मुझे लगती है वो एक ये है कि जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया कि इस जगह को इस ढंग से डेवलप करने की एक सोच, एक विज़न रखा गया कि ये सेल्फ सस्टेनेबल रहे और आसपास की सोसाइटीज़ पे इसका पॉजिटिव असर हो, लोग चाहें कि ये जगह बनी रहे, फ्लरिश करे, और ऐसा तभी होगा जब उनको भी यहाँ से कुछ फ़ायदा मिल रहा होगा, आसपास की जगहों को भी। तो इस सोच के साथ इसको डेवलप किया गया एंड वील डिस्कस फर्दर हाउ, आगे हम बात करेंगे कि किस तरह से ये एक्चुअली हुआ भी। रिसर्च के बाद ये स्थापित हुआ कि कहाँ कहाँ पे किस तरह के रिपेयर की ज़रूरत है, किस तरह का मटेरियल लगना है, बहुत सारे आर्किटेक्चरल और टेक्निकल एस्पेक्ट्स एस्टेब्लिश किए गए। और साथ ही जैसे डीएनए स्ट्रैंड होता है, दो स्ट्रैंड्स जुड़े हुए एक दूसरे से, जो दूसरा स्ट्रैंड था वो एस्थेटिक्स, चीज़ों के शुरुआती दौर से ही आर्ट्स पे काफ़ी एस्थेटिक्स पे काफ़ी जोर है और टेक्नोलॉजी साइंस दोनों पे, दोनों के ताना बाना मिल के इस जगह को डेवलप किया गया है, जो कि काफ़ी यूनिक है। इनके वीडियोज़ में भी आप देखेंगे किस तरह से बताया गया है कि आर्टिस्ट भी उतने ही इम्पॉर्टेंट तौर पे इन्वॉल्व रहे हैं चीज़ों के कंजर्वेशन में शुरू से इस प्रोजेक्ट में। तो एक तो ये रहा, साथ में सोसाइटी, आसपास की सोसाइटी के डेवलपमेंट पे काम किया गया है और उनके एम्प्लॉयमेंट्स जो कि हुमायूं टोम या सुंदर नर्सरी निज़ामुद्दीन एरिया के थीम पे बेस्ड स्किल्स उनको इम्पार्ट की गई हैं। हेल्थ हाइजीन, क्लेनलीनेस, इसका ध्यान रखा गया है आसपास।
और जो वहाँ के यूथ हैं जो फिज़िकल लेबर कर सकते हैं उनको इस तरह के स्किल सेट्स दिए गए हैं। एक बहुत ही प्रमुख एग्जांपल मिलता है कि जो ख़ास एक कलर की टाइल्स यहाँ की टूम्स के कंजर्वेशन में यूज़ होनी थी वो टाइल्स अब भारत में मिलनी बंद हो गई हैं, बननी भी बंद हो गई हैं। मुग़ल दौर में वो बना करती थी। वो टेक्नोलॉजी सीखी गई पर्शियन आर्टिस्ट से और भी वर्ल्ड के जगह जगह जहाँ पे भी उसके इनपुट्स मिले उनसे वो सीखा गया, उनसे डेवलप किया गया। उसके बाद वो स्किल यहाँ के यूथ को दिया गया जो कि आज की डेट में वो टाइल्स खुद मैन्युफैक्चर करते हैं और मेरे ख्याल से वो एक्सपोर्ट्स भी होती हैं और यहाँ के मॉन्यूमेंट्स में तो वो लगी हैं। तो इस तरह से उनका अपना क्रिएट किया हुआ कुछ यहाँ पे लगा है, तो एक तरह से वो खून पसीने से जुड़ा हुआ अब ये खुद डेवलप की गई एक जगह बन जाती है और साथ में उनको रोज़गार भी मिलता है, एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है ज़रूर। जो लेडीज़ हैं और जो लोग आर्टफुल हैं उनको इस तरह के मेरे ख्याल से कढ़ाई बुनाई और इस तरह के और स्किल्स भी दिए गए हैं जिसमें कि आर्टिस्टिक पैटर्न्स जो हैं वो हुमायूं टूम से और इस यहाँ पे जो पत्थर की जालियाँ हैं उनसे मिलते जुलते पैटर्न्स के बने हुए आर्टिफैक्ट्स भी डेवलप करना उनको सिखाया गया है। और एक काफ़ी मेरे ख्याल से क्यूलिनरी स्किल्स पे भी काम किया गया है जो कि कुकिंग और उनको सपोर्ट किया गया है फूड स्टॉल्स लगाने में। सुंदर नर्सरी खास करके संडे मॉर्निंग आप आएंगे तो इस तरह के स्टॉल्स और ऑर्गेनिक मार्केट आपको देखने मिलेगा जो कि यहाँ के लोगों को ही सपोर्ट करके उनको एनेबल करके एम्पावर करके फ़िलहाल तो ये अच्छे तौर पे चल रहा है। एंड मैं आशा करता हूँ कि आगे भी ये चलता रहे एक ऑनेस्टी के साथ। तो ये दो चीज़ें तो काफ़ी यूनिक हैं जो और जगह देखने नहीं मिलती हैं। और एक पर्टिकुलर चीज़ जो आर्किटेक्चरली यहाँ पे की गई वो था एक सिंपैथेटिक मटेरियल का यूज़। सिंपैथेटिक मतलब सहानुभूति मतलब जो मटेरियल यहाँ यूज़ किया गया था ओरिजिनली जो रूइंस में मिला है लाइम मोटार और चूना अगर आप उस पर सीमेंट लगा देते हैं या कंक्रीट लगाते हैं इन दो मटेरियल्स का हार्डनेस काफ़ी अलग है। इनकी हार्डनेस ये एक दूसरे से सिंपैथेटिक नहीं है और इस वजह से अगर आप रिपेयर वर्क सीमेंट से कंक्रीट से करते हैं तो आने वाले टाइम में मॉन्यूमेंट को ज़्यादा नुकसान होता है क्योंकि उसके जो चूने के पोर्शंस हैं वो टूटने लग जाएंगे, बिखरने लगेंगे, दरारें आएंगी जिसमें फिर से पौधे उगेंगे, पानी रिसेगा और वो मॉन्यूमेंट ज़्यादा ख़राब होगा और आपका कंक्रीट ज़्यादा हार्ड होने की वजह से वो बना रहेगा वैसा ही, उसके आसपास चीज़ें और टूटने लग जाएंगी। तो इस सोच के ज़रिए और काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद जो एक लाइम मोर्टर डेवलप किया गया, चूना जो ओरिजिनली पहले भी यूज़ होता था उसको यूज़ किया गया है और भी सिंपैथेटिक मटेरियल यूज़ किए गए हैं। जहाँ जहाँ पर स्ट्रक्चर ओरिजिनल स्ट्रक्चर ही ठीक था उसको रिटेन किया गया है, उसको नहीं तोड़ा गया है, पर जहाँ पर चीज़ें एक पर्टिकुलर डैमेज से ज़्यादा लेवल उनका डैमेज था तो उनको चेंज किया गया है, रिपेयर किया गया है। हुमायूं टोम्ब के बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा अलग से जिसमें कि ज़्यादा डिटेल में ये चीज़ें डिस्कस होंगी कि वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड चीज़ें की गई हैं वो हुमायूं टोम्ब में उसका ज़्यादा हमें एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन देखने मिलता है क्योंकि वो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है और उसमें अलग अलग चीज़ें कहीं टाइल का काम है, कहीं पे जो बेसमेंट को रिपेयर किया गया है, छत को रिपेयर किया गया है, बहुत सारे पहलू हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि एक वीडियो वहाँ के बारे में भी बनाऊँ। तो हाँ, ये चीज़ें मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ की गई जैसे कि इसको यूटिलिटी के तौर पे भी डेवलप किया गया है। ये भी यही नहीं कि खाली एक बड़ी सी स्पेस है पर ये टिकटेड मॉन्यूमेंट है, यहाँ से अर्निंग होती है जिसकी कलेक्शंस को यहीं के सस्टेनेंस के लिए यूज़ किया जाता है और आसपास की सोसाइटीज़ के वेलफेयर के लिए यूज़ किया जाता है। ये अपने आप अपना खर्चा खुद निकाल पाए ये जगह इस सोच से भी इसको एक यूटिलिटी स्पेस के तौर पे डेवलप किया गया है। खास करके कुछ जो गार्डन पैटर्न्स हैं ऐसे हैं कि संकन गार्डन्स
अलग अलग हाइट के पौधे आपको, ताकि किसी भी सीज़न में फूल देखने मिलें और एक सुंदर नज़ारा मिले। और एक एंक्लोज्ड खुला गार्डन होते हुए भी पेड़ों के ज़रिए और अलग अलग लेवल्स के ज़रिए एक एंक्लोजर की फीलिंग लाई गई है कुछ हिस्सों में, जिसको डेवलप किया गया है स्मॉल ग्रुप्स के लिए। अगर कोई स्कूल का ग्रुप पिकनिक के लिए आया है या कोई फैमिली गेट टुगेदर के लिए आई है, तो आप एक तरह से एक पनाह, एक नरिशमेंट फील करेंगे उस इलाके में। मेजर तौर पे जो मैं इस नर्सरी के फ़िलहाल दो हिस्से देखता हूँ, जो लेफ़्ट पे जो एरिया है एंट्री जब आप करते हैं हुमायूं टॉम्ब की तरफ से, तो जो लेफ़्ट वाला एरिया है उसमें काफ़ी सारे लॉन्स और गार्डन्स डेवलप किए गए हैं और टूम्स भी हैं उसमें। उस एरिया के बीच में एक सेंट्रल एक्सिस बहुत ही सुंदर फुवारा बनाया गया है, फाउंटेन है, जिसमें पत्थर की कार्विंग, मार्बल की कार्विंग के अच्छे नमूने देखने मिलते हैं। काफ़ी सफाई रखी जाती है और ये जो सेंट्रल एक्सिस है जिस पे वो फाउंटेन है, वो एक तरह से जो सबसे पुराना ग्रैंड ट्रंक रोड या उत्तर पथ का जो रास्ता था, ग्रैंड ट्रंक रोड का जो रास्ता था, उससे अलाइंड है, ऐसा कहा गया है जो मैंने यहाँ के नोट्स में पढ़ा। तो ये तो हुआ लेफ़्ट वाला एरिया जहाँ पे लॉन्स हैं और सेंट्रल एक्सिस है और कुछ टूम्स हैं, और राइट साइड का जो एरिया है वो एक तरह से एक वहाँ पे मैनिक्योर्ड लॉन्स नहीं है पर आर्बोरिटम है। आर्बोरिटम मतलब पेड़ों की नर्सरी, बड़े पेड़ों की नर्सरी, और बहुत सारे पेड़ जो इंडिजिनस जो पेड़ हैं दिल्ली के, और नायाब पेड़ भी, कल्प वृक्ष भी देखने मिला मुझे वहाँ पे, और पीकॉक्स मोर के लिए एक हैबिटेट बनाया गया है। और इस एरिया में भी बीच बीच में मुगल कालीन टोम्स हैं, कुछ नोन और कुछ अननोन लोगों के। और एक ख़ास बात यह भी है कि जो दिल्ली में जितनी तरह की सॉइल्स मिलती हैं, मिट्टी जो मिलती हैं 5 अलग अलग टाइप्स की, उन सब का एक नेचुरल हैबिटेट यहाँ पे बनाने की कोशिश की गई है, जैसे कि खादर या रिवराइन सॉइल या बांगर, इस तरह की 5 हैबिटेट्स यहाँ पे डेवलप किए गए हैं। मुझे रिवराइन वाला सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, जब हम लोग वहाँ गए तो सच में ये लग रहा था कि हम किसी नदी के एक रिवलेट के पास बैठे हैं, और आसपास की जो ग्रीनरी थी वो बिल्कुल इस तरह ही लग रही थी कि आप किसी नदी के छोटे से एक ट्रिब्यूटरी के पास हैं। इस तरह से ये जगह काफ़ी सारे उम्र के लोगों के लिए, काफ़ी सारे प्रोफेशंस के लोग, अलग अलग डाइवर्स लोगों के लिए ये एक अच्छा अनुभव रहेगा इस जगह पे जाना। स्टूडेंट्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए, वो यहाँ पे आके डी-स्ट्रेस हो सकते हैं। मैं खुद कई बार यहाँ जाता हूँ डी-स्ट्रेस होने, या फिर मैं यहाँ पे हेरिटेज वॉक या मेडिटेशन लाइफ साउंड हीलिंग भी कंडक्ट करता हूँ। अपने आप में ही जगह काफ़ी सुकूनदायक है, और यहाँ पे क्रिएटिव लोगों को नए आइडियाज़ आ सकते हैं, जिनको यहाँ पे, जिनको फ़ोटो खींचना पसंद है उनके लिए स्वर्ग है, और जिनको फ़ोटो खिंचाना पसंद है उनके लिए भी काफ़ी सारे यहाँ पे नेचुरली ही इस तरह के सीन्स उपलब्ध हैं कि आप उनको क्रिएटिवली, आप भी उनका हिस्सा बने और फ़ोटो खींचें अच्छी अच्छी। अगर आप दिल्ली के आसपास हों तो ज़रूर यहाँ पे जाएं, और अगर आप यहाँ पे हेरिटेज वॉक या मेडिटेशन कंडक्ट कराना चाहते हैं, तो यू कैन राइट टू मी एट माई ईमेल एड्रेस और जस्ट लीव अ कमेंट हियर। तो ये तो हुई इस जगह की कहानी। जितना मैंने आपको बताया, इससे तकरीबन 1000 गुना ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे और छुपी हैं, तो आप ज़रूर खुद यहाँ पे जाइए, अनुभव करिए इस जगह को, कई बार जाइए। अलग अलग सीज़न में मेरे ख्याल से ये जगह अलग अलग एक्सपीरियंस देगी, दिन के अलग अलग समय पे अलग अलग एक्सपीरियंस होंगे यहाँ पे। मैं थैंक यू बोलूँगा यहाँ की जो एजेंसीज जिन्होंने ये डेवलप किया है, जिनकी ये सोच थी, और जो लीडर्स थे जिन्होंने ये प्रोजेक्ट अप्रूव किया, इस तरह की सोच को एक्सेप्ट किया, माना, उनको भी मैं थैंक यू कहना चाहूँगा, एंड इस पूरी टीम को मेरा गुड लक। एंड यस, आप स्टे ट्यून्ड, आगे हम इस तरह की और अच्छी अच्छी जगह आपके लिए YouTube चैनल के ज़रिए लेके आएंगे। एंड जस्ट किसी भी तरह के मेडिटेशन या हेरिटेज रिलेटेड इवेंट के लिए, जस्ट यू कैन ड्रॉप मी एन ईमेल, आप मुझे लिख सकते हैं मेरे इस ईमेल एड्रेस पर। टिल देन,
Thank you so much and God bless you all.